चर्च के लिए दिए गए हैं, ये है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर गाना है, वर्शिप गाना है, इसको हम लोग गाएँ और परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद। समय वक्ता का है। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सबत टू ऑल। आर यू ऑल हैप्पी? या यू से यस, बट आई डोंट सी बाय योर फेस। हाँ, मेरे बच्चे भी स्कूल में जब मैं सवाल करता था, आर यू हैप्पी, बोलते थे यस, लेकिन उनके चेहरा से तो नज़र आता नहीं था। तो मेरा यही कहना है भाई और बहनों, हमारे जीवन में कुछ भी आए, कभी खुशी कभी गम या जो भी हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, बीमारियों से हम बचते हैं, क्योंकि बहुत से बीमारी हमारे मानसिक के कारण, मानसिक का अवस्था के कारण होता है। व्हेन आवर माइंड इज नॉट करेक्ट, व्हेन आवर थॉट्स आर नॉट करेक्ट, तब हमें बहुत सारी बीमारियां आने का संभव है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए खुश रहने का। मेरा जीवन में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं अपना जीवन में महसूस किया हूँ, बचपन से लेकर आज तक हमेशा मैं खुशी ही था। जो भी कि कभी कभी मायूसी आई है जीवन में, ये नहीं कि मेरे जीवन में हमेशा खुशी का पल था, वैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया ये सब भूल करके हमेशा खुश रहने का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मदद करे कि जब हम बहुत जल्द एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, इस चीज़ को अपना जीवन में बांध ले कि हमें हमेशा खुश रहना है। आप लोग जानते हैं कहावत, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन। आप लोग कपिल शर्मा का नाम सुने होंगे। ज़्यादातर समय मैं जब देखता हूँ, मैं सीरियल वगैरह नहीं देखता हूँ, बस यही थोड़ा सा शाम को जब मैं फ्री रहता हूँ तो कपिल शर्मा शो देखता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर उसमें हंसवाते हैं, और जब हम हंसते हैं खुशी रहते हैं तो हमारा हेल्थ बनता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का जो मेरा विषय है, मिरेकल ऑफ क्रिसमस, बड़ा दिन का चमत्कार, यानी कि बड़ा दिन का करिश्मा भी कह सकते हैं। इस संबंध में मैं जिगर करूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। हाँ, हमारे पवित्र शास्त्र बड़ा दिन के बारे में क्या कहता है, हम लिखे यहां, व्हाट डज द बाइबल से अबाउट क्रिसमस। लुका का सुसमाचार में दो अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बेतलहम में जन्म लेगा। इतना ही लिखा है, यीशु मसीह बेतलहम में जन्म लेगा। गलेशियन 4:4 का में लिखा है, When the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. तो ये चीज हम जानते हैं, 300 के करीब भविष्यवाणियां हो चुकी है यीशु मसीह का जन्म का बारे में। पूरे बाइबल में अगर आप देखिएगा तो करीब करीब 300 भविष्यवाणियां हुआ है यीशु मसीह का जन्म का बारे में, लेकिन एक भी जगह उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक कहीं भी नहीं मिलता है कि यीशु मसीह 25 तारीख को जन्मा था। कहीं नहीं मिलता है। यीशु मसीह का जन्म के बारे में बहुत से वरिष्ठ भक्तों ने लिखा, और अगर परमेश्वर चाहता कि हम मनुष्य जाति उसका जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाए जैसे दुनिया मनाती है, तो मेरा सोच है कि यीशु मसीह जरूर उस तारीख को मेंशन करता। 25 दिसंबर को यीशु मसीह जन्मा है, वो कहीं ना कहीं बाइबल में मिलता, लेकिन यीशु मसीह या परमेश्वर ने नहीं चाहा, क्योंकि सारे स्क्रिप्चर्स हम जानते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, कोई मनुष्य अपने मन से कुछ नहीं लिखा। पौलुस प्रेरित जो इतने इतने किताबों लिखा, उन्होंने भी कहीं जिक्र नहीं किया कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्मा था, नहीं। लेकिन पुराने नियम में, नए नियम में कहीं भी खोजिए, 25 दिसंबर कहीं नहीं लिखा है। तो भाई और बहनों, आइए हम देखते हैं कि क्या कारण है कि इतने लोग
बड़ा दिन के पीछे भागते हैं। मेरी बेटी हमको बताती थी, मैं तो कभी क्रिसमस का टाइम में अमेरिका में नहीं था, मैं ज़्यादातर गर्मियों में था, लेकिन मेरी बेटी बताती है कि 3 महीना पहले ही पूरे दुनिया का लोग, अमेरिका, यूरोप, कोई भी देश का बात करिए एक्सेप्ट एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज़ में भी जापान, चाइना, कहाँ कहाँ तो आजकल वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका जैसा देश, ये लोग 3 महीना पहले से तैयारी करने लगते हैं बड़ा दिन का सेलिब्रेशन के लिए। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि हम हिंदुस्तानी नहीं करते हैं उतना, भले थोड़ा बहुत ऐसे हम लोग छोटा मोटा कर लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। अगर सचमुच में आप एडवेंटिस्ट हैं और परमेश्वर का भक्त हैं तो हमें क्रिसमस मनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों का खुशी के लिए हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि दुनिया के लोग कितने क्रिसमस के पीछे पागल हैं, एक दूसरों के लिए उपहार देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए बहनों पहले खरीदने लगते हैं, कितने सारे शॉपिंग करते हैं और घर में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लगाते हैं। और हम सब तो उस सब के बारे में नहीं जानते हैं ना, सिर्फ हम लोग जानते हैं बड़ा दिन कि यीशु मसीह जन्मा था, सिर्फ सुने हैं, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन चलिए हम लोग अजया 1:13 में पढ़ते हैं, कोई खोलिए तो जल्दी से, यशायाह नबी का किताब 1:13 में यीशु मसीह क्या कहता है हम लोग के बारे में। यहाँ देखते हैं लोग बड़ा दिन में एक दूसरे को बहुत सारे उपहार और गिफ्ट्स और इत्यादि ढेर सारा चीज़ सब देता है, लेकिन यीशु मसीह हम लोग से क्या चाहता है। आइए तो अजया नबी क्या कहता है इसके बारे में, 1:13, देखिए परमेश्वर यहाँ क्या कहता है हम सबके लिए कि हमें परमेश्वर हमारी इन सब चीज़ों से खुश नहीं है, ना ही वो हमसे कोई उपहार मांगता है, ना ही वो कहता है कि हमें भेंट चढ़ाओ या चंदा दो या ये दो वो दो, जैसे दुनिया एक दूसरे को देता है वैसा कुछ नहीं चाहता है परमेश्वर हम सब से। आइए आगे पढ़िए तो 1:14 में, देखिए कितने अच्छी तरह यहाँ लिखा हुआ है। परमेश्वर हम सबको बताने चाहता है अजया नबी के द्वारा कि ये सब व्यर्थ काम मत करो जिससे मुझे खुशी नहीं मिलती है। अगर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को खुश करने के लिए उपहार लोगों को दें, ये करें वो करें, या जैसे दुनिया करता है, ये सब परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। और इसी तरह अजया का 15-17 भी देखेंगे तो यहाँ भी लिखा है आप कि ये सब बड़ा दिन या कोई भी त्यौहार जो हम मनाते हैं परमेश्वर का नज़र में गलत है। जैसे कि दूसरे संस्था के लोग ईस्टर मनाते हैं और क्या क्या सब मनाते हैं, थैंक गॉड एटलीस्ट एडवेंटिस्ट हम लोग ईस्टर तो मनाते ही नहीं है, कभी हम लोग जिक्र भी नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा दिन का हम लोग थोड़ा बहुत कभी कभी जिक्र करते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए। अगर सचमुच में आप परमेश्वर का भक्त हैं, सच्चा भक्त हैं, तो हमें क्रिसमस मनाने ही नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कब शुरू हुआ था, 25 दिसंबर 2073 में ये शुरू किया था एक राजा कहना चाहिए, उन पुराने ज़माने का जो अन्य जाति पैगन किंग था, उसने एक त्यौहार शुरू किया था 25 दिसंबर 2073 यीशु मसीह का मरने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन जो एक महान राजा था जिन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया, संडे वर्शिप को इंट्रोड्यूस किया, क्या क्या सब किया, उन्होंने 25 दिसंबर 336 एडी में उन्होंने पैगन लोग जो सन गॉड को उपासना करता था उसी का काउंटर एक्ट करने के लिए, उसके विपरीत करने के लिए इन्होंने
जो क्रिश्चियन लोग थे उस समय का, पैगन क्रिश्चियन, एडवेंटिस तो थे ही नहीं, उनको 25 दिसंबर को मनाने लग गया क्रिसमस के रूप में। तो इसी तरह से देखते हैं कि बहुत से लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन एक कहावत है 25 मार्च, साल तो नहीं जानते हैं, 25 मार्च मैरी और जोसेफ का विवाह तो नहीं हुआ था, लेकिन कहा जाता है, भाई ये कहावत है जो मैंने देखा हूँ और सुना हूँ किसी प्रचारक के द्वारा, 25 मार्च को मेरी ने गर्भ धारण किया और 25 दिसंबर को पूरे 9 महीने बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। तो किसी को कहना है कि 25 दिसंबर में मेरी ने यीशु मसीह का जन्म दिया, ये भी एक सोच है जो पैगन लोगों का सोच है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें हम लोग को विश्वास करना है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इस तरह से आते आते आजकल 25 दिसंबर प्रायः सभी क्रिश्चियन भाई लोग एडवेंटिस्ट को छोड़ करके बड़े ही धूमधाम से अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ा दिन मनाते हैं। कहते हैं कि इसमें जो जो कुछ हम देखते हैं क्रिसमस के समय में, हम क्या देखते हैं, एक क्रिसमस ट्री ग्रीन कलर का होता है ना, एक क्रिसमस ट्री ऐसी, ये कैसे आया, लोग कैसे उसका आरंभ किया। तो इसके बारे में कहता है कि मार्टिन लूथर ने एक पेड़ को या डाल को कहना चाहिए लेकर के आया था अपने अपने असेंबली में, और उसे जीवन का पेड़ कहा था कि दिस इज लिविंग ट्री, यानी कि जीवन का पेड़, और उसी पेड़ के चलते एक क्रिसमस ट्री जो लोग मानते हैं वो क्रिसमस ट्री का नाम से हम लोग देखते हैं। सभी का घरों में अगर आप जाएंगे तो एक क्रिसमस ट्री होगा, उसमें ढेर सारे कुछ कुछ तारे तारे या बेल्स या कुछ कुछ बांधे होंगे, उस पेड़ के नीचे कुछ गिफ्ट्स होंगे। तो ये सब इसी तरह से आया क्रिसमस ट्री के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कैंडल, कैंडल तो दिखाता है जीवन का ज्योति, और इसी तरह वो लोग कैंडल भी जलाते थे क्रिसमस ट्री के पास। पुराने ज़माने में तो लाइट बल्ब थे नहीं, तो वो लोग मोमबत्तियाँ जलाते थे। तो उसी तरह से देखते हैं कि आज भी क्रिसमस ट्री में हम लोग क्या सजाते हैं, छोटे छोटे टूनी बल्ब लगाते हैं और वो जगमगाता है। तो इसी तरह पुराने ज़माने से ये होते आ रहा है। फिर हम देखते हैं गिफ्ट, क्रिसमस ट्री के नीचे ढेर सारा पैकेट सब रखा रहता है। हमारे देश में तो उतना नहीं, लेकिन विदेशों में जाइएगा तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए पेड़ के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैकेट अच्छे से बांध करके सजा करके रखे रहते हैं। तो ये गिफ्ट दर्शाता है यीशु मसीह जो हमारे लिए एक तोहफा के रूप में हमारे बीच में आया, वही इस गिफ्ट दिखाता है। फिर हम देखते हैं वो घंटी, देखते हैं ना जिंगल बेल्स हम लोग बोलते हैं, घंटी से बंधा हुआ रहता है। तो ये तो सुसमाचार का जो वाणी है, घंटी बजा करके हम लोग कोई चीज़ जताने चाहते हैं, तो ये चीज़ का रूप लिया कि यीशु मसीह आया है और वह घंटी के रूप में वो लोग सजाने लग गया, ताकि इट्स ए रिंगिंग बेल टू टेल द वर्ल्ड दैट जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न। तो इस प्रकार से बेल का बारे में बताया गया है। और उसके बाद सांता क्लॉज, सांता क्लॉज एक निकोलस बोलकर एक व्यक्ति था, वह क्या करता था, बहुत से गरीब लोग रहता था, तो 25 दिसंबर को उन्होंने अपना स्टॉकिंग्स बोलते हैं हम लोग तो मोजा बोलेंगे, उसमें ढेर सारा पैसे या गिफ्ट्स या चॉकलेट सब ले ले करके लोगों के दरवाजा के पास छोड़ आते थे। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, आप देखे होंगे कोई कोई क्रिसमस कार्ड सब में स्टॉकिंग बना हुआ रहता है मोजा जैसा, उसमें ढेर सारा स्वीट्स वगैरह क्या क्या डाला रहता है। तो ये भी सांता क्लॉज के रूप में लोग मनाते हैं, और आज भी हम बच्चों को बोलते हैं कि रात को सांता क्लॉज आएगा और बच्चों तुम्हारे लिए गिफ्ट्स रखेगा क्रिसमस ट्री के नीचे। हमारे बेटियां, हमारे लोग
यही हम लोग को सिखाते थे, हमारे बच्चे माँ बाप भी सिखाते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा, लेकिन सेंटा क्लॉज नाम का कोई चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति था जो वो ऐसा पहन करके शायद लोगों को देता था, इसलिए हम लोग सेंटा क्लॉज कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गिफ्ट देना का काम और ये सब का जो रीति रिवाज हुआ वह शुरू में पैगन सिस्टम के द्वारा शुरू हुआ, जो आज भी हम सभ्यता लोग इतने 2000-3000 साल बाद आज भी हम वो सब सिस्टम को हम लोग अपनाते हैं और उसको मानते हुए आज भी हमारे बीच में लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत ही धूमधाम से बड़े दिन को मनाते हैं। भाई और बहनों, आइए हम पढ़ते हैं असल चमत्कार क्या था। असल चमत्कार क्या था वो हम पढ़ेंगे मत्ती 1:18 में। कोई पढ़िए मत्ती 1:18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आगे अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। भाई और बहनों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक चमत्कार का कहानी। दुनिया में जितने भी इंसान जन्म लिए हैं वो दो प्राणी का संपर्क से हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में यहाँ क्या देखते हैं कि वह शादी के पहले ही वह गर्भधारण हो चुकी थी। और वो कैसे हुआ था? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर आई थी। क्या कहते हैं जॉन का 1:1 में, इन द बिगिन वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड। यही वचन जो हम सुन पढ़ते हैं, यही वचन मरियम के अंदर गर्भधारण हुआ। और ये चमत्कार इज द रियल स्टोरी ऑफ क्रिसमस। यही है असल चमत्कार क्रिसमस के बारे में, ना कि कोई सेंटा क्लॉज आता है, ना ही कोई हमारे लिए गिफ्ट लाता है। यही गिफ्ट है कि दुनिया के लोग जो भूखे प्यासे और अंधकार में थे उन्हें ज्योति देने के लिए एक चमत्कार हमारे परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए किया, और वह चमत्कार यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। यही सबसे बड़ा चमत्कार है भाई और बहनों, और ऐसी कोई चमत्कार नहीं हम पाते हैं दुनिया में। बहुत से बड़े संत लोग जन्म लिए, बहुत से महापुरुष जन्म लिए, लेकिन वो कोई चमत्कार नहीं थे। उनके माता पिता थे, राज किए, मर गए, चले गए, उसका कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह का नाम आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंजता है। आज भी लोग यहाँ भी जाए पूरा वर्ल्ड में मसीह का बारे में लोग प्रचार करते हैं। जोएल ऑस्टिन बोल के एक प्रचारक है, उसका बाप असली पास्टर था, लेकिन अचानक उसका बाप मर जाने के बाद सारा बोझ इसके ऊपर आ गया और वो एक ओकवुड बोल करके डैलस टेक्सस में एक बहुत बड़ा चर्च है, पहले छोटा चर्च था, लेकिन उसने अपना मेहनत से परमेश्वर का मदद से वो विशाल चर्च को इतना बड़ा कर दिया। और उसका कहना यही है कि ये सब परमेश्वर मुझे मदद किया, मैं अपना बलबूते से कुछ नहीं कर पाया, ये सब परमेश्वर का दान है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा करके उन्होंने उस चर्च को खड़ा किया। तो इस तरह अगर आप अमेरिका जाएगा तो लाखों लाखों लोग अटने वाला ऐसे बड़े बड़े चर्च पाएंगे जहाँ पर यीशु का नाम दुनिया के लोग के जबान में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार हम मसीह भाइयों में है कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, हमारे गुनाहों के लिए हमेशा के लिए हमें अंधकार में नहीं छोड़ दिया, परंतु यीशु मसीह को एक बालक के रूप में भेज दिया। आप जानते हैं ये प्लान ऑफ सल्वेशन वॉज बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे
हमारे पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही ये रचा गया था कि अगर मनुष्य जाति ने पाप किया तो उसका उद्धार क्या होगा, उसका उपाय क्या होगा। और उसी समय यह बताया गया था कि यीशु मसीह एक बालक के रूप में इस दुनिया में आएंगे और हमारे पापों के लिए अपना प्राण बलिदान करेंगे, ताकि हम मनुष्य जाति अपने पापों से मुक्त हो जाए और परमेश्वर का प्रेम में हम आ जाएं, परमेश्वर का प्रेम को हम ग्रहण करें। यूहन्ना 3:16 में बहुत ही स्पष्ट से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, एकलौता पुत्र, जिसके पास 10 बेटा होता है वो भी बहुत हिचकता है कि एक बेटा को बलिदान करने के लिए दे दो। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ काम करती थी मिशन कैंपस में, बहुत सारे साहब लोग बोला तुम्हारे पास 3 बेटा है, 2 बेटियाँ हैं, ये छोटा बेटा को मुझे दे दो, हम अमेरिका ले जाएंगे। इतना छाबी दिल नहीं था मेरी माँ को मुझे देने के लिए, नहीं दी। बाद में हमको बताती थी तुम्हें अमेरिका ले जाने मांगते थे बहुत से साहब लोग, लेकिन मैं नहीं दिया। हम बोले गलती की, दे देता तो मैं शायद अमेरिका में होता। एनीवे, मजाक की बात है। तो भाई और बहनों देखिए, एक माँ बाप अपने 10 बच्चे होने से भी एक देने के लिए कतराता है, परंतु परमेश्वर के पास कितने थे? ओनली वन, ओनली बिगॉटन सन, एंड दैट ही गेव फॉर द सल्वेशन ऑफ मैनकाइंड। ये सचमुच में चमत्कार की बात नहीं है? इजंट दिस अ मिरेकल? भाई और बहनों, ये सचमुच में सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार हुआ नहीं आज तक इतिहास में, कोई भी एक प्राणी के द्वारा दूसरा प्राण नहीं हुआ है। Nobody has conceived from a single person। हमेशा 2 प्राणी के मिलने के बाद भी कोई गर्भधारण होता है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि मरियम यानी कि मेरी पवित्रात्मा के द्वारा गर्भधारण हुआ। चलिए इसके अनुसार मान लीजिए मार्च 25 में हुआ, दिसंबर 25 9 महीना होता है, एकदम सटीक समय पर हो गया। मान लीजिए अगर हम मानते हैं मार्च 25 में उसका गर्भधारण हुआ तो, लेकिन मुझे नहीं मालूम, ना ही मुझे दिसंबर 25 का बारे में मालूम, कहीं नहीं दिया है बाइबल में उसके बारे में, भूल जाए। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में जन्मा, इसका तो सटीक प्रमाण है हमारे बीच में, सटीक प्रमाण है। पूरा इतिहास पढ़िए, वर्ल्ड इतिहास पढ़िए, रिलीजियस इतिहास पढ़िए। यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया, 33 साल इस दुनिया में रहा, मनुष्य जाति को प्रचार किया, चंगा किया, और आखिर में वह मरा और जी उठा, और फिर भी अपने लोगों के साथ काफ़ी दिन थे, और उसके बाद वह स्वर्ग चला गया। 2 स्वर्गदूत गवाह था कि क्यों तुम ऊपर देख रहे हो, यही यीशु जो जा रहा है तुम्हारे सामने में वैसे ही दोबारा आएगा तुम्हें लेने के लिए। इससे बड़ा प्रमाण हमें क्या चाहिए भाई और बहनों, कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, हमारे पाप के लिए मरा था, और हमें बचाने के लिए दोबारा आ रहा है। भाई और बहनों, बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर हम लोग नया साल में प्रवेश होंगे। आपका क्या सोच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा एक ही ख्वाहिश है कि जब तक यीशु मसीह नहीं आता है तब तक मैं अपने आप को शैतान की हर चंगुल से, देखते हैं शैतान बहुत ही चलाक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जाल उसके पास है, चाल उसके पास है, विभिन्न प्रकार के योजना है जिससे हमें भटकाता है, हमें लुभाता है, और हमें अपने तरफ लेने की कोशिश करता है। आइए हम अपने आप को इन सारे इन सारे चालों से अपने आप को बचा के रखें, ताकि यीशु मसीह जब आएगा हमें निष्कलंक और एक सुंदर रतन की तरह हमें पाएंगे। हाँ, एक तो गाना है लाइक द ज्वेल्स, क्या एक गाना है चर्च में, बहुत नामी गाना है, बहुत सुंदर वर्ड्स है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जिसमें कहता है कि सुंदर अनमोल, क्या हिंदी में गाते हैं ना, हाँ, छोटे बालक हाँ जब आवेगा, कितना अच्छी बोल उसमें दिया हुआ है, मैं बहुत पसंद करता हूँ उसका इंग्लिश वर्जन। हम छोटे में गाते थे तो बहुत मुझे अच्छा लगता था कि हम सब परमेश्वर के नज़र में एक रतन है। क्या है? वी आर ज्यूवेल्स इन द साइट ऑफ गॉड एंड ही इज गोइंग टू कलेक्ट हिज ज्यूवेल्स। भाई और बहनों,
आइए, हम बहुत जल्दी इस नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। जो बीत गया सो बीत गया, पॉलिस प्रणीत कहता है, आई एम नॉट लुकिंग बैक व्हाट हैपेंड, बट आई एम फोकसिंग ऑन द टारगेट दैट आई हैव बिफोर मी एंड आई एम ट्राइंग टू वॉक और रन टूवर्ड्स दैट टारगेट। उसी तरह हम सब भी अपने आप को तैयार करें और उस लक्ष्य जो हमारे सामने है यीशु मसीह का आगमन का, निष्कलंक अपने आप को रखने का, उसकी तरफ आइए। हम अपने आप को बनाए इस तरह कि हमें शैतान जितना भी कोशिश करे हमें विफल ना करे, परंतु हम हमेशा शैतान का चाल से सफल होकर के परमेश्वर का उस लक्ष्य, उस स्वर्गराज की ओर हम आगे बढ़े। यूहन्ना लिखता है, जॉन जिसने रेवलेशन लिखा है उसने लिखा कि ना आँख ने देखा है ना कानों सुना है जो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। इस प्रकार का भवन, इस प्रकार का महल, हमारे ही जो ईंटे पत्थर का बिल्डिंग कुछ भी नहीं है भाई और बहनों। जब हम उस भवन में एंटर करेंगे स्वर्ग राज में, हमारा खुशियाँ का कुछ ठिकाना नहीं रहेगा। वील हैव नो लिमिट्स ऑफ आवर हैप्पीनेस। मे गॉड ब्लेस अस। परमेश्वर हम सबको मदद करे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेने चाहता हूँ कि हम सब जब इस पुराना साल जा रहा है, कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, भूल जाइए, मत पछताइए, डोंट वरी, डोंट रिग्रेट, बट लुक फॉरवर्ड टू द कमिंग ईयर एंड लेट अस मेक एवरीबडी हैप्पी। आइए हमारे संपर्क में जो भी आए सबों को हम खुश करें, अपने बातों से, अपने मीठे जुबान से और अपने चाल चलन से किसी को ठेस ना पहुँचाए, परंतु एक अच्छे नेक एडवेंटिस्ट के तरह हमारा जीवन परमेश्वर में व्यतीत करे और परमेश्वर के साथ चले, ताकि कोई भी मनुष्य ये ना कह सके कि फलना व्यक्ति या ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, परंतु जब हमें कोई बोलता है, तारीफ करता है, तो हमें अच्छा लगता है। परमेश्वर भी हमें तारीफ करेगा, वेल डन दाउ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, इस तरह का बात हमें सुनने अच्छा लगता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।